पुणे जिल्ह्यातल्या पिंपरी इथं संतापजनक प्रकार घडलाय। एका मृतदेहाची अदलाबदल रुग्णालयामार्फतच झाली आणि हद्द म्हणजे मृतदेहाची अदलाबदल झालेल्या दोन कुटुंबियांपैकी एका कुटुंबानं अंत्यसंस्कारही करून टाकला। मृतदेहाची अदलाबदली झाल्याने नातेवाईकांनी संताप व्यक्त केलाय। त्यानंतर गोंधळ होऊन रुग्णालयात तोडफोड सुद्धा करण्यात आली। पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या यशवंतराव चव्हाण स्मृती म्हणजेच YCM रुग्णालयामध्ये आज दुपारी हा प्रकार घडला। मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार दापोडी इथं भिंत पडून एका महिलेचा मृत्यू झाला। या महिलेचं शवविच्छेदन YCM रुग्णालयाच्या शवविच्छेदन गृहात करण्यात आलं। या दरम्यान थेरगाव परिसरातल्या एका मृत महिलेचं सुद्धा शवविच्छेदन इथंच करण्यात आलं होतं। शवविच्छेदनानंतर दोन्ही मृतदेह एकाच ठिकाणी ठेवण्यात आले होते। आता आज बुधवारी सकाळी थेरगाव इथल्या मृत महिलेच्या नातेवाईकांनी शवविच्छेदन गृहातून मृतदेह नेला, पण तो मृतदेह दापोडी इथल्या मृत महिलेचा होता आणि त्या मृतदेहावर त्या कुटुंबियांनी अंतिम संस्कारही करून टाकलेत। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरी माँ का नाम इज्जन गायकवाड़। हमने कल पोस्टमार्टम के लिए माँ को वायसिन हॉस्पिटल की कोल्ड स्टोरेज में रखा था। उन्होंने सुबह पोस्टमार्टम करेंगे ऐसा बोलने के बाद पूरे दस्तावेज हमें दिए। उसके बाद में सुबह हमें बुलाया, हम आ गए, मृत्यु का दाखिला भी दिया और स्मशान दाखिला दिया। उसके बाद में हम जब बॉडी देखने गए तो बॉडी दूसरी की थी, दूसरी औरत की थी और वो एजेड थी। और मेरी मम्मी की जो बॉडी है वो दूसरे लोग लेके गए। और ये इस कर्मचारियों डेड हाउस के जो कर्मचारी है उन्होंने फ़ोन लगाया उनको कि ये बॉडी आपकी है, तो उन्होंने बोला कि ये फ़ोटो भेजा ये डेड बॉडी का जो अभी कोल्ड स्टोरेज में है, तो बोले कि हमारे मार्केट पे वो बॉडी। और उन्होंने फ़ोन पे बोला कि हमारे अंत्य संस्कार हो भी गए सुबह, और अभी जो बॉडी है वो उनकी माँ की बॉडी है। और सुबह से कल रात से दो ही लेडीज़ की बॉडी थी। रिलेटिव हमारे मुंबई से आए, अकोला से आए, गुजरात से आए, बड़ौदा से आए, सब जगह से आए। और सुबह उनकी वजह से हम रुके थे कि मुख दर्शन मिलने के बाद। अभी हमें अस्थि भी मिली नहीं, बता ही नहीं रहे कहाँ गए, कहाँ से अंतिम किया, कुछ नहीं बता रहे। इसके बारे में प्रशासन पे पूरी जवाबदारी प्रशासन की है और उन पे कार्रवाई कड़क से कड़क होनी चाहिए, क्योंकि हमारी माँ की अभी बॉडी मिलने वाली तो नहीं। या सगळ्या गोंधळानंतर संतप्त नातेवाईकांनी YCM रुग्णालयात गोंधळ घातला आणि त्यातच तोडफोड सुद्धा झाली। त्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली। मुळात अंत्यसंस्कार करण्याआधी शवविच्छेदन केंद्रातून आपल्याच नातेवाईकाचा मृतदेह घेऊन जातोय की नाही हे दुसऱ्या कुटुंबियांकडून कसं तपासलं गेलं नाही हाही प्रश्नच आहे। पोलीस याची सखोल चौकशी करता आहेत। पुण्याहून अतुल मारवाडीसह मी शिवानी खोरगडे, लोकमत।